खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिंकी सिंह। शुरुआत करते हैं रात 9 बजे तक की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले खबरें महानगर से जुड़ी हुई। विधानसभा में हंगामा, विधानसभा में हुआ हंगामा। राज्यपाल के अभिभाषण से पहले भाजपा विधायकों का विक्षोभ हुआ सदन के भीतर। राज्यपाल प्लीज प्लीज कहते रहे, लेकिन भाजपा के विधायकों पर असर नहीं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हुई नाराज। राज्यपाल के सामने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करती दिखी अनुरोध। घटना से दुखी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। करीब 45 मिनट तक राज्यपाल सदन को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, मगर कोई लाभ नहीं दिखा। मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि हम लोगों ने एक घंटे का इंतजार किया, लेकिन भाजपा नाटक करती रही। विरोध तो होता ही है, लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण नहीं रुकता। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया राज्यपाल से, उन्होंने कहा कि मैं इस घटना से दुखी हूँ। কিন্তু কখনো রাজ্যপালের ভাষণ বন্ধ হয়নি। এটা আনপ্রেসিডেন্টেড যার সিচুয়েশন তৈরি হয়েছিল। আমরা এক ঘন্টা অপেক্ষা করেছি, আমাদের কর্মীরা কেউ কোনো কথাও বলেনি, আমাদের কোনো এমএলএ কোনো কথা বলেনি। স্পিকার নিজে বারবার অ্যাপিল করেছে, আমি নিজে হাত জোর করে অ্যাপিল করেছি, মেয়েরা হাত জোর করে অ্যাপিল করেছে। যাই হোক, বিজেপি এটা নাটক করার চেষ্টা করেছে, নিজেরা সব হেরে গিয়ে লজ্জা নেই। তা সত্ত্বেও আমি মনে করি বিজেপি যা করেছে আজকে ঠিক করেনি, গণতন্ত্রের পক্ষে লজ্জা। আমাদের লোকেরা পরে বিজেপির যেহেতু গভর্নর না করে চলে যাচ্ছিলেন, আর গভর্নর না করে চলে গেলে এটা একটা কনস্টিটিউশনাল ক্রাইসিস হতো, তাই সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য আমাদের মেয়েরা ছেলেরা তাকে বারবার করে রিকোয়েস্ট জানায় যে আপনি এটা করুন। আরোপ হয় কি মহিলা বিধায়ক নে দো মন্ত্রিয়ো কে সাথ রাজ্যপাল কো দিয়া ধাক্কা। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर कहा कि आज जो हुआ वो शर्मनाक है, हमने प्रतिवाद किया क्योंकि अभिभाषण में ममता बनर्जी ने अपनी बखान की है। मुख्यमंत्री ने जो कहा कि उनके विधायक शांत बैठे थे, ये गलत है। सभी ने देखा उनकी महिला विधायक ने राज्यपाल को धक्का दिया, यह अपमान है। कड़े शब्दों में मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। গায়ে ফিজিক্যালি তারা কাজ করেছে কে চোখের ইশারায়? তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা বিধায়কদের ডেকে নিয়ে এসেছিল, সবাই দেখেছে, সবাই আই উইটনেস। অর্থাৎ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেটে দাঁড়িয়ে যেটা বলেছেন, নজিরবিহীন ঘটনা, সত্যিকারের নজিরবিহীন ঘটনা। মুখ্যমন্ত্রীর উস্কানিতে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান শারীরিকভাবে হেনস্থা, এটা সত্যিকারের লজ্জার এবং নজিরবিহীন ঘটনা, এবং এই নজিরবিহীন ঘটনার জন্য এই মুখ্যমন্ত্রী দায়ী। 11 मार्च को पेश होगा राज्य का बजट। कोलकाता वासियों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर सकती हैं कई नई योजनाओं की घोषणा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार पर हमला। राज्य भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजुमदार पर तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक वे कुल्पी जा रहे थे, उसी समय तृणमूल के गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। अब रुख करते हैं जिलों की खबरों की ओर। नैहटी सबवे में रक्त रंजित सेना का जवान मिला, अस्पताल में मृत घोषित किया। सियालदा रानाघाट रेल सखा के नैहटी स्टेशन के सबवे के भीतर रक्त रंजित हालत में रविवार की देर रात सेना के जवान का शव बरामद किया गया। चलती वाहन में लदी हुई खर में लगी आग। चलती तीन पहिया वाहन में लदी हुई खर में अचानक आग लग जाने से ग्रामीण इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हालांकि स्थानीय लोगों व दमकल विभाग की तत्परता से एक बड़ा हादसा टाला जा सका। यह घटना सोमवार की दोपहर के समय बानरहाटा ब्लॉक के सक्यू झाड़ा एक नंबर ग्राम पंचायत के अधीन प्रधान पाड़ा इलाके की है। कड़िया लोट कोड़िया अश्विया धोती रास्ता दिया উপরে তার ছিল, মানে একবার নিচে 700 আর মাল ছিল আমার গাড়িতে। উপরে তার ছিল, কিসের তার ছিল? লাইনের তার ছিল। হ্যাঁ, লাইনের তার লাগিয়ে কি হইছে? লাইনের তার লাগিয়া আগুন লাগছে, লোকজন চিল্লাইছে বলে যে গাড়িটা দাঁড়া, আগুন লাগছে, আগুন লাগছে। তারপর বাড়ির সামনে ছিল, হ্যাঁ, দাঁড়ালাম যে একটু ফাঁকা জায়গা নিয়ে গাড়িটা দাঁড়িয়ে দিন যাতে বাড়ি ঘরের কোনো ক্ষতি না হয়, মোর গাড়ি যায় যাও। মই তো এমনি না মনে করেন যে দিন বিলি ফেরা লক্ষ্য, হ্যাঁ, তা মই গাড়ির মহে করণের কারণে অন্য লোকের মধ্যে চিন্তাধারা করছে যে মানুষের যাতে ক্ষতি হয় না। এক নজর ডালতে হ্যাঁ দেশ দুনিয়া সে জুড়ি খবরো পর। जंग के बीच मोदी की कोशिश है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन राष्ट्रपति से 35 मिनट और पुतिन से 50 मिनट बात की।
भारतीयों को सुरक्षित निकालने पर दिया जोर। एक नजर डालते हैं मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरों पर। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन को खतरा खतरा शो के सेट पर किया गया स्पॉट। एक नजर डालते हैं धर्म से जुड़ी खबरों पर। कल है स्कंद षष्ठी व्रत। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से लोग काम क्रोध मोह अहंकार से मुक्ति पा सकते हैं। महानगर वो देश दुनिया से जुड़ी खबरों के साथ बने रहे खबर एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।